ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। पहला मैच 22, दूसरा 24 और तीसरा 27 सितंबर को होगा। रोहित, विराट, हार्दिक को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 वनडे मैचों से आराम। केएल राहुल होंगे टीम के कप्तान। एशिया कप में चोटिल हुए अक्षर पटेल के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने पर सस्पेंस बरकरार। बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 के मैच में लगी थी चोट। अक्षर पटेल को लेकर कप्तान रोहित शर्मा ने दिया बयान, कहा अक्षर को लगी है मामूली चोट, 10 से 12 दिन में हो जाएंगे ठीक। रविचंद्रन अश्विन की टीम में हुई वापसी, विश्व कप टीम में भी बना सकते हैं जगह। विश्व कप में भारतीय टीम बेस्ट प्रदर्शन करने को तैयार। विराट कोहली का फैन सिवादा, वर्ल्ड कप जीतकर पूरा करेंगे सपना। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम का बयान, बुमराह को अपनी लय बरकरार रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 वनडे खेलने चाहिए। वनडे वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगा झटका, ट्रेविस हेड चोटिल हो गए हैं जिसके बाद हेड के खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। एशियन गेम्स में टीम इंडिया का हिस्सा बनने पर रिंकू सिंह का बड़ा दावा, कहा भारत को गोल्ड मेडल जिताने के लिए लगाएंगे पूरा दम। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने भारतीय टीम की सराहना की, कहा एशिया कप में कमाल का प्रदर्शन किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर बोले कपिल देव, हमारी टीम अच्छी है लेकिन टूर्नामेंट के लिए और मेहनत करनी होगी। सौरभ गांगुली हुए टीम इंडिया के प्रदर्शन से बेहद खुश, कहा रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत जीत सकता है वनडे वर्ल्ड कप। वॉशिंगटन सुंदर के नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड, बिना बल्लेबाजी, गेंदबाजी या कैच पकड़े खिताब जीतने वाले भारतीय टीम के खेलने वाले पहले प्लेयर बने। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का बड़ा बयान, कहा ऋषभ पंत के प्रभाव से भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाजों की मानसिकता बदली। वर्ल्ड कप को लेकर एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, भारत और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी सेमीफाइनल में बना सकते हैं जगह। श्रीलंका के एक्टिविस्ट ने भारत की हार के बाद लगाया अपनी टीम पर मैच फिक्सिंग का आरोप, जांच की मांग की। ओडीआई सीरीज में हराने के बाद साउथ अफ्रीकी टीम को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया और सिसांडा मगाला का वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल। विश्व चैंपियनशिप से खाली हाथ लौटे पहलवान, ओलंपिक कोटा भी नहीं मिला। भारतीय मेंस हॉकी टीम पहली बार रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंची। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के चलते मिला फायदा। भारतीय फुटबॉल टीम का आज मेजबान चीन से होगी टक्कर, बिना अभ्यास के खेलेगी टीम इंडिया।